हुंडई कंपनी ने एक सामाजिक पहल करते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका को मोबाइल एम्बुलेंस भेज दिया। मनपा के अतिरिक्त आयुक्त संजय काकड़े के हाथों आज इस मोबाइल एम्बुलेंस का लोकार्पण किया गया। इस दौरान हुवाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हर्ष खुराना और युवा नेता सुनील सुतार समेत कई उच्च अधिकारी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। मशहूर टेलीकॉम कंपनी हुवाई ने आज एक सामाजिक पहल करते हुए नवी मुंबई महानगर पालिका को मोबाइल एम्बुलेंस प्रदान किया। आज NMMC के अतिरिक्त आयुक्त संजय काकड़े ने इसका लोकार्पण करते हुए इसे जरूरतमंद नवी मुंबई करों तक सेवा पहुंचाने में उपयोगी बताया। इस अवसर पर हुवाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हर्ष खुराना, BJP युवा नेता सुनील सुतार, आरोग्य अधिकारी रतन प्रभा चौहान समेत कई उच्च अधिकारी मौजूद थे। बताना जरूरी है कि हुवाई महाराष्ट्र में शिक्षा, आरोग्य सेवा और तकनीकी जागरूकता फैलाने का अभियान चला रही है। हुवाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हर्ष खुराना ने बताया कि नवी मुंबई में मोबाइल एम्बुलेंस के जरिए आरोग्य सेवा देना यह पहला CSR है। वॉकहार्ट और लाइफ विंस की मदद से संचालित होने वाले इस मोबाइल एम्बुलेंस में जरूरतमंद लोग को त्वरित सेवा देने के लिए उपकरणों के साथ डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने इस पहल में सहयोग के लिए युवा नेता सुनील सुतार और मनपा अधिकारियों के प्रति आभार भी जताया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक NMMC कमिश्नर एंड आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया एंड थैंक्स टू मिस्टर सुनील सुतार जी जिन्होंने एक मौका दिया कि हम यहाँ आके इस प्रोग्राम को शुरुआत कर सकते हैं। जैसे सुनील जी ने बताया, ये प्रोग्राम हमने शुरू सोचा था आज से 18 महीना पहले, बट इसको करते करते एग्जीक्यूट करते करते हमें टाइम लगा। But I must say that we are starting this program from new Mumbai. We have around 20 plus vans which will be given to the municipalities, and we are happy that we are starting this program from new Mumbai. This van is a fully equipped van. Iske saath mein 4 log honge iske andar. It has a doctor, pharmacist and 2 support staff. It also has a medicine which is for primary health care. The purpose of this van is because India has suffered a lot during this COVID time, and we want to help the community through such initiative. Huawei is a big ICT company, and ICT company का core theme होता है communication, ताकि लोगों तक लोगों की आवाज़ पहुँचे। And we are also aligned to Prime Minister Modi multiple themes like Digital India, Skill India, Communication. So we are working towards multiple government agencies for multiple themes, like Vokat is one of the themes. Second theme is DigiBus, which is a Mercedes bus with full IT equipment. Taki purpose is to go to multiple schools of BMCs and going to the Maharashtra rural areas, taki bachchon ko education mile, because aaj ke time mein education is the biggest help which can give to students. अब मैं दिल्ली में था पिछले 2 दिन, मैंने लोगों को देखा सुना वहाँ कि जितनी फोटो इंडस्ट्री होते हैं लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मतलब दे नॉट फाइंडिंग गुड पीपल। मैंने पढ़े लिखों के पास जॉब नहीं है। तो वी आर वर्किंग विद टेलीकॉम स्किल काउंसिल, वेयर वी आर एजुकेटिंग एटलीस्ट 100K स्टूडेंट्स ऑन द टेलीकॉम स्किल सेट, ताकि लोगों को जॉब मिले और जॉब में एग्जीक्यूट कर सकते इंडस्ट्री जाती है। Telecom skill set is a basic requirement for India to become a what we call the Digital India team. Also, we are working with the consultation program with multiple state governments. We are also working with programs like school empowerment through IT program.
some multiple initiatives we are working on it, and it's a start. We will do more works in Maharashtra with the guidance of Mr. Sunilji and multiple state governments. वही बीजेपी के युवा नेता सुनील सुतार ने नवी मुंबई में आरोग्य और शैक्षणिक सेवा उपक्रम चलाने की तैयारी में जुटे हुवाई के डायरेक्टर हर्ष खुराना की प्रशंसा की और इस आरोग्यदायी मिशन को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। 20 मई आज यहाँ पे हुवाई और ओकार्ड ये कंपनी के तरफ से CSR फंड से आज यहाँ पे एम्बुलेंस गिफ्ट की जा रही है, NMMC को डोनेट की जा रही है। ये खाली एम्प्टी एम्बुलेंस नहीं है, विद डॉक्टर्स विद इक्विपमेंट्स ये एम्बुलेंस है। ये हुवाई का ये जो हिंदुस्तान में जो उनका CSR फंड का जो प्रोग्राम है, आज आप देख सकते हो कि मार्केट में तरह तरह के एप्पल है, सैमसंग है, वीवो है, ओप्पो है। ये हुवाई कंपनी ने ग्रास रूट तक लोगों तक कैसे हम सेवा पहुँचाए इसका इन्होंने प्रयास किया है, और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ग्रास रूट तक अपनी सेवा पहुँचाने के लिए हमारे मित्र हर्ष खुराना जी ने ये संकल्पना मेरे को बताई थी। और उन्होंने बोला था कि सुतार जी, हमको महाराष्ट्र में नहीं, पूरा इंडिया भर हमको ऐसे एम्बुलेंस वैन, जो डीजी मर्सिडीज बसेस, जहाँ पे एजुकेशनल जो मतलब गाइडेंस जो पुअर स्टूडेंट्स को NMMC को देना दिया जाएगा IT सेक्टर के बारे में, जो 20 कंप्यूटर उस बस में हो गया, ऐसे विविध मतलब उपक्रम उनको NMMC के लिए, PMC के लिए, TMC के लिए, BMC के लिए करने हैं, और ये इसकी पहल है। और मैंने मेरे रिक्वेस्ट के मुताबिक उन्होंने NMMC को फर्स्ट ये वैन दी है, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, खुराना जी का, भावना जी का, और उनके सारे टीम का। आज आप देखते हो कि ये बस के मतलब काकड़े साहब के सुभाष थे, इसका शुभारंभ किया गया, और वहाँ पे महाले साहब है, डॉक्टर रत्नाप्रभा चौहान थी, हमारे अभिजीत बांगर साहब ने ही उनको इंस्ट्रक्ट किया था, चाबुक सवार है। मैं सभी अधिकारी वर्गों का, सारे डिपार्टमेंट का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कोविड काल में इन्होंने जो नई मुंबई करों की सेवा की है वो सराहनीय है, कि आज आप देखते हो केसेस जीरो है। मैं देखता था कि बॉम्बे से, थाना से लोग यहाँ आके वैक्सीनेशन करके जाते थे। ये जो प्रॉपर बोलते ना मैनेजमेंट है, उसके लिए मैं तहे दिल से बांगर साहब का मतलब थैंक यू बोलता हूँ उनको। और इस तरह के जो प्रोग्राम हुआ है और वो कार्ड लोगों तक ला रही है, जो ग्रास रूट तक ये पहुँच रहा है सेवा, उसके लिए भी उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आने वाले भविष्य काल में मर्सिडीज बस वो देने वाले, जिसमें 20 कंप्यूटर का सेटअप के साथ एक टीचर रहेगा, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में जाके गरीब बच्चों को उसका ज्ञान देंगे। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां CSR फंड बड़े बड़े लोगों को दीजिए, 1,000 करोड़ है उनको, और 10 करोड़ देंगे, 20 करोड़ देंगे, उधर उनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे जगह पे जहाँ पे सही में गरीब बच्चों को या गरीब स्टूडेंट को या जो गरीब पेशेंट्स है, अभी जैसे पाम बीच रोड पे यहाँ पे रोज का 1-2 एक्सीडेंट होते, ये जो इक्विप वैन है जैसे विद डॉक्टर्स, अब आप देख रहे हो यहाँ पे डॉक्टर्स भी है, ये इमिजिएटली वहाँ पे फर्स्ट एड का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने का प्रयास करेंगे। ये अच्छा उपक्रम है, और इसके लिए मैं तहे दिल से फिर से हर्ष खुराना जी का, भावना जी का, UI कंपनी का तहे दिल से थैंक यू करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।